ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर शहर में चल रहे सड़क मरम्मत कार्य का धीमी गति से होने से दुकानदार मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो मिट्टी और धूल से भी समस्या बनी हुई है। पिछले 2 महीनों से सड़क मरम्मत कार्य के कारण सड़क पर चलना दूभर बना हुआ है, क्योंकि सड़क किनारे बनाए जा रहे फुटपाथ के काम को लेकर लेट लतीफी की जा रही है, जिसके चलते रोजाना काफी देर तक नादौन चौक पर भारी यातायात जाम भी लग रहा है। साथ ही सड़क काम को लेकर बजरी रेता और टैंकर की सड़क किनारे खड़े करने से हर वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। हमीरपुर शहर में चल रहे सड़क मरम्मत कार्य को धीमी गति से होने से दुकानदार मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो मिट्टी और धूल से भी समस्या बनी हुई है। पिछले 2 महीने से सड़क मरम्मत कार्य के कारण सड़क पर चलना दुर्बल बना हुआ है, क्योंकि सड़क किनारे बनाए जा रहे फुटपाथ के काम को लेकर लेट लतीफी की जा रही है, जिसके चलते रोजाना काफी देर तक नादौन चौक पर भारी यातायात जाम भी लगा रहा। साथ ही सड़क काम को लेकर बजरी रेता और टैंकर के सड़क किनारे खड़े होने से हर वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क के किनारे नादौन चौक के पास लगे हुए फुटपाथ के काम को लेकर दुकानदार खासे नाराज हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने जमकर जिला प्रशासन को फुटपाथ काम में देरी के लिए कोसा, लेकिन दुकानदारों ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। कैमरे के पीछे लोगों ने प्रशासन पर सड़क काम में बरती जा रही ढील को लेकर काफी आरोप लगाए। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से फुटपाथ का काम चला हुआ है, लेकिन काम में देरी की जा रही है, जिसके कारण धूल मिट्टी से बुरी हालत है, तो दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि फुटपाथ का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हमारे हमीरपुर का निवासी में यहाँ पे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट काम करवा रही है, लोगों की सुविधा के लिए करवा रही है, लेकिन जो काम की गति है काफ़ी धीमी गति से कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों को परेशानी हो रही है। काफ़ी कार्यक्रम जो है ठप पड़ा हुआ है। उसके बारे में क्या बचा रहा है? नीचे जो फुटपाथ टूटा हुआ है, पिछले कल भी बस एक खड्डे में चली गई थी। हमने तो बोल प्रशासन को बोला है, सुबह सुबह डीसी साहब आते हैं 6-7 बजे के करीब चक्कर मार के जाते हैं, तो बोला है, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी इसको ठीक करवाएंगे। पर ये गांधी ये दमकौली से लेके नीचे को जो चला हुआ है नगर चौंक वाला फुटपाथ, इसका काफ़ी दिनों से काम चला, बहुत धीरे धीरे चला हुआ है। इसको थोड़ा जल्दी हो जाए तो दुकानदारों के जो मिट्टी उड़ के दुकानदारों के अंदर जा रही है, तो एक तो काम ऐसे नहीं है, ऊपर से ये प्रदूषण है, मिट्टी ध्वनि अंदर जा रही है मिट्टी, तो इसको जल्दी ठीक करवाए प्रशासन से यही गुहार है हमारे। और ये टैंकर जो खड़े यहाँ पे जाम लग रहा है, इसके बारे में? टैंकर तो ये हमने ठेकेदार को मैंने बोला था, ठेकेदार अपने जान पहचान का उसको बोला था इसको हटा दो, उसने बोला था, पर अभी हटाया नहीं। सुबह डीसी साहब भी आए, उनको भी बोला है, और देखो अब क्या करते हैं।